हेलो एवरीवन। तो आज जो रेसिपी होने वाली है वो है लहसुन के अचार की, जो कि मैं बहुत आसानी से बताऊंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अराउंड 500 ग्राम्स लहसुन लिया है, ये बड़े साइज़ में है, तो इसको मैं 20 से आधा काट लूँगी। और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर धूप में रख देंगे। धूप में रखने से इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, तब इसका अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इसे मैं हाफ पीसेस में कट करके जस्ट फॉर आधा घंटा या एक घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तो इसको इस तरीके से मैं अभी इससे कट कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर धूप में रखने से आप देख रहे हो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, और जितना भी स्टिकीनेस होता है, चिपचिपाहट मॉइस्चर होती है जो लहसुन में, वो भी चली गई है। तो अब इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जिसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। ये 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल है, तो इसे अच्छा एकदम स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें चीज़ें डालेंगे। तक तेल गर्म हो रहा है, हम यहाँ पे मसाले रोस्ट कर लेते हैं। हमें थोड़ा ही हल्का भूनना है, तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सौंफ लिया है, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा चम्मच मेथी दाना और 3 चम्मच राई है। इन सबको हम सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट हल्का सा स्मेल आए। उसके बाद बंद करके इसको दरदरा मिक्सर में पीस लेंगे। तेल यहाँ पे बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया है, तो अब इसे हम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। तो ये हींग मैं इसमें डाल देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हींग नहीं डालना है। और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे करायल, इसे कलौंजी भी कहते हैं, अनियन सीड्स कहते हैं इंग्लिश में। बस इसे गैस बंद करने के बाद ये दोनों चीज़ें डाल के हमें इसे छोड़ देना है, तेल को ठंडा होने देना है। और तब तक यहाँ पे हमारे मसाले भी रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी हम बंद करके मिक्सर में पीस लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसीलिए हम बस 2 मिनट के अंदर ही इसे तुरंत पीस सकते हैं, तब तक हमारा तेल भी ठंडा हो जाएगा। तेल जो है हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी चुटकी भर और आधे से थोड़ा कम 1/3 हल्दी, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तेल को अब बिल्कुल छोड़ देंगे अच्छे से ठंडे होने के लिए। बस हमें एकदम ल्यूकवार्म चाहिए, कुनकुना, बहुत गर्म तेल बिल्कुल नहीं चाहिए। बस अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मसालों को मैंने दरदरा पीसा है, हमें एकदम पाउडर नहीं करना है, तो इसे हम मैं इसमें डाल दूंगी। और जो हमने तेल गरम किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे अचार में अच्छे से मसाला कोट हो जाएगा तेल के साथ साथ। और सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप रेड चिली पाउडर अगर आपको थोड़ा और तीखा पसंद है तो डाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। बस ये इस तरीके से मिक्स करना है। तो ये अच्छे से रेडी है। अब इसे हम एक ग्लास जार में भर के स्टोर करेंगे, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप जब चाहो तब तक, जितने सालों साल ये चलता है, आप अच्छे से पक जाएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लहसुन का अचार जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लास्ट में नमक। ये नमक मैंने इसको 1.5 चम्मच डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है अचार में, तो बस इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। बना के मैंने ग्लास जार में स्टोर कर लिया है। आप हमेशा अचार जब भी बनाओ उसे ग्लास जार में ही स्टोर करो, प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अचार के टाइम पे जब फर्मेंटेशन होता है तो प्लास्टिक का बॉटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप ग्लास जार में ही करो। आपने देखा कितने कम तेल में अचार कितना अच्छा रेडी हुआ है। आप इसे 4-5 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये अचार लहसुन थोड़ा नरम पड़ जाएगा, अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करो, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।